मैं कर लूंगी। मिस्टर खान मैंने कहा ना रहने दीजिए। मिस्टर खान देखिए मैं ठीक हूं अब। मिस्टर खान जाइए यहां से, जाइए आप यहां से, कि मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी। मेरा वो मेरी बीवी नहीं है, हुमैरा नहीं, मेरा वो बीवी नहीं है मेरी, वो एक एक्सीडेंट था, तुम भी जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप एक शादीशुदा आदमी हैं और मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, हुमैरा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या चाहती हो, इन सारी चीजों से मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता तो यहाँ ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाते आप। आपको कोई अंदाजा है मेरे ऊपर क्या बीत रही है? मैं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते आप। उन हालात में हम और क्या करते, जोया क्या कर सकते थे हम? ये सारी चीजें हमने निखत के लिए की और ये तुम जानती हो, निकाह ही इस तरीके। छोड़ो मुझे, जस्ट गो, जाओ यहाँ से। मेरा प्लीज, मेरा एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरा प्लीज छोड़ो मुझे, मेरा बस बस छोड़ो ना, मेरा प्लीज प्लीज काम डाउन। बस सात दिन, सात दिन, मुझे सिर्फ सात दिनों की जरूरत है मेरा। इन सात दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे आपके किसी बात पे अब यकीन नहीं है मिस्टर खान। प्लीज यहां से चले जाइए। आप कभी नहीं समझ पाएंगे ना कि मेरे लिए निकाह के क्या मायने हैं। यहां आपने जबरदस्ती, ये सच है मिस्टर खान कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं। लेकिन यह भी सच है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इश्क़ पे ऐसा
मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, मैं जरूर रुकी सिर्फ 7 दिन, 7 दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं वादा करता हूं आपसे। सच कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं, सिर्फ 7 दिन, आई प्रॉमिस। सब कुछ अच्छा बना। ये सारी प्लेट्स कितनी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अम्मी से पूछ के नए प्लेट्स निकलवाती हूं। कहां जा रही हो? अम्मी वो प्लेट्स टेढ़े मेढ़े हैं ना, तो मैंने सोचा नए प्लेट्स निकाल लूं। मुझे चाबी दीजिए ना। अरे खाना ही तो खाना है, प्लेट टेढ़ी मेढ़ी हुई तो क्या हुआ, खाना कौन सा बाहर गिर जाएगा। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितना उन्होंने हमें दिया है, बहुतों को तो प्लेट भी नसीब नहीं होती। हम तो इसी में खाएंगे, क्यों इमरान? अम्मी इन प्लेट्स में खाना थोड़ा अजीब तो है। अब नजमा कह रही है तो नया सेट निकाल लेते हैं, वैसे भी कब से बंद पड़े। तो तुम्हें जो सही लगे वो करो, अब नई बीवी जो आ गई है, पुरानी प्लेटें पुरानी अम्मी कहां अच्छी लगेगी। वैसे भी अम्मी तो टूटे फूटे बर्तनों में खिलाती थी ना। लो बेटा तुम ले आओ। नहीं अम्मी रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इन्हीं प्लेट्स में खा लेंगे, ठीक ही है। तो फिर ये मत कहना कि सास ना टूटे फूटे बर्तनों में खाना खिलाती है। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आओ बताओ मुझे क्या बनाया है तुमने, चलो आ जाओ बताओ तुमने क्या क्या बनाया है। ये बिरयानी, ये बटर चिकन, दाल मखनी, दम आलू, पालक पनीर और एक खीर। बेटा रायता बताना भूल गई तुम। तुमने ये नहीं बताया कि घर में कोई मेहमान आ रहा है? नहीं मेहमान नहीं आ रहे। तो पूरी बारात का खाना क्यों बनाया है? खैर कोई बात नहीं, लगता है अभी तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, कल से मैं उतना ही सामान निकाल के दूंगी जितना लगना चाहिए। वो अम्मी मैं पहली बार आप सबके लिए खाना बना रही थी ना, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाऊं। बैठिए। अब नजमा, अरे वाह
खाना तो बहुत लजीज लग रहा है, बैठिए। मुझे तो भाई बहुत भूख लगी है। अम्मी नजमा आप लोग भी शुरू करो। लाओ मैं परोस देती हूं। बेटा वो पालक पनीर देना। लो बेटा। अम्मी इतना कम खाना? रात को कम ही खाना चाहिए, हाजमा दुरुस्त रहता है। अरे मेरी तो अपनी खुराक आधी रह गई है। वो तो क्या है ना, इतना खाना बना है बेकार जाएगा, किसी ना किसी को तो खाना ही है ना। इमरान आप खाइए ना। नहीं ठीक है ना जो। खाओ बेटा खाओ। हाँ बस 7 दिन और फिर आप मेरे पास आ जाएंगे। आप नहीं जानते कि मैं कितनी बेसब्री से इन 7 दिनों का इंतजार कर रही हूं, उसके बाद आप मेरे होंगे। I'm sorry. ये अटक गया अंदर, एक सेकंड। एक मिनट में देखती हूँ। ये ऐसे नहीं निकलेगा, नीचे से निकलेगा ये। नहीं 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 वो उसके अंदर है भाई जान। निखत सब सब ठीक तो है ना? मेरी वजह से सबकी जिंदगी उलझ करना रह गई तब तक। भाईजान यहां पर आपको ये कहने आई हूं कि मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, मेरी खुशियों के लिए आप दोनों ने अपनी खुशियों को राख कर दिया है। मेरी वजह से आप दोनों की जिंदगियां इस तरह उलझ कर रह गई है कि अब इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इसलिए प्लीज तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। हमें जो ठीक लगा हमने किया, और वैसे भी ये दिक्कत बस कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मतलब ये कि जब तुम ही विदा होकर चली जाओगी अपने ससुराल अपनी सास के पास, शैतान की खाला हसीना भी के साथ जब एक छत के नीचे रहोगी तब पता चलेगा तुम्हें कि मुसीबत क्या होती है। तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त तक नहीं मिलेगा तुम्हें। भाईजान मैं आपके और इस घर के बारे में हमेशा सोचती रहूंगी। आपने सोया ने और असद भाईजान ने जो मेरे लिए किया है ना, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। और वैसे भी मैंने अम्मी अब्बू को
शर्मिंदगी के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। क्या क्या कह रही हो तुम निखत? क्या कह रही हो तुम निखत? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जोया ने भी कहा ना कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये मुकद्दर का खेल है निखत। मुकद्दर ही है जो बनाता है बिगाड़ता है, और आगे भी मुकद्दर को जो करना होगा वो करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो कि तुम कुछ करो हमारे लिए, तो फिर एक तरीका है। क्या है भाईजान, बोलिए ना। मुझसे वादा करो, वादा करो कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आएंगे, हमेशा खुश रहोगी तुम। क्योंकि अगर तुम खुश रहोगी तो यहां पे हम सब खुश रहेंगे। आप ऐसा मत कहिए, आपसे आयान ने कहा ना आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए और सो जाइए। जी मुझसे नहीं सॉरी, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है। देखो फिलहाल मैं तुम्हारे जाने के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, खामखा बात 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 बढ़ेगी तो, और अगर बात फैलते फैलते हसीना भी तक पहुंच गई तो तुम जानती हो कि वो निखत के साथ क्या कर सकती। कुछ ही दिनों की बात है, एक बार उसका निकाह हो जाए उसके बाद मैं सबको बता दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक्स। चलो मैं चला सोने, बहुत रात हो गई है। कहाँ? अर्ज किया है। अरे इरशाद अर्ज किया है, जो बात है हम में वो ना अक्षय में ना जॉन में, जो बात है हम में वो ना अक्षय में ना जॉन में, खुले दिल के शहजादे हम सोने जा रहे हैं लॉन में। आई नो बहुत बुरा था, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, अगर किसी ने मुझे कहीं और सोते हुए देख लिया तो फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी, इसीलिए गुड नाइट। बारिश हो रही है और आयन लॉन में सो रहे हैं। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पूरे भीग गए हो। बाल सुखाओ अपने। कहां पे? अरे पीछे सारे गिले हैं, मुझे तो लगा जैसे नहा के आए। इतनी बारिश में भी कोई सोता है क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे बचपन की आदत है। जब छोटा था तो स्कूल के लिए अम्मी मुझे मुंह पे पानी का छींटा मार के उठाती थी,
और मैं उसके बाद मुंह पोंछ के दोबारा सो जाता था। हो गया? अरे सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ, एक बार सो जाऊँ उसके बाद कुछ होश ही नहीं रहता मुझे। मुझे नहीं? Yes. जागते हुए तो जैसे बहुत होश में रहते हो तुम। चलो अंदर रूम में ही सो जाना। चलो